अभी रेडी होने वाला है चीज़ भेल। ये क्या चीज़ है, इस चीज़ के बारे में और जानते हैं थोड़ी देर में। प्रेपरेशन देखते हैं क्या है चीज़ भेल। चलिए अब शुरू हो रहा है प्रेप हमारी चीज़ भेल का। और अब होगी फाइनली इसकी भी प्लेटिंग। चीज़ की भेल नहीं सुनी है यार, मतलब आई लव चीज़ बट लेट्स सी, आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट इट कि कैसा होगा। इतना सारा चीज़ देख के तो डर लग रहा है यार। और इस पे जा रहा है ग्रेटेड चीज़, हमारा बहुत ही फेवरेट अमूल चीज़। और फाइनल टचेस सेव, और आई थिंक सो कि धनिया पत्ती ज़रूर जाएगी। इसमें गई फाइनली धनिया पत्ती और ऊपर से थोड़ा और चीज़ की शेविंग्स। क्या ही खूबसूरत आइटम लग रहा है देखने में। चलिए चखते हैं इसे भी। इतना सारा खाना बन तो गया है, अब देख कैसा लग रहा है कि इतना सारा खाऊंगी और पचाऊंगी कैसे। खाते हैं, चलो चखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट है यार घुघरा ट्राई करने की, बिकॉज आई हैव हर्ड अमेजिंग थिंग्स अबाउट दिस डिश, बहुत सुना है, तो खा के भी देखते हैं। जो इसका क्रंच है ना, ओहो, मतलब समोसे जैसा फील आ रहा है, मगर गारंटी उससे ज़्यादा टेस्टी है। हर कॉर्नर में अगर आप ध्यान से देख सकते हैं, हर कॉर्नर में मसाला है और टेस्ट इतना बढ़िया है। मतलब जो मिर्ची थी मुझे लगा था बहुत तेज़ लगेगी, हर चीज़ का बैलेंस इतना एपिक है, आप लोग भी चख के देखें। A few moments later. Oh, bread chaat hai. ये taste करने के लिए तो मेरे को literally बहुत मन था, because this is something I never heard of. Bread poha सुना है, chaat तो मैंने कभी नहीं सुना है. Heavenly feeling, really amazing. इतना टेस्टी है ना, क्या बताऊँ। ओह, अभी एक और आइटम आ गया, ये क्या है? ये है छाछ सोडा। छाछ सोडा, अभी मैं बोल रही थी इतना खाऊंगी तो पचाऊंगी कैसे, पचाने के लिए आ गया आइटम, आप लोग भी ट्राई करो। जो ये ऐसे बबल हो रहा है ना, ओह यार क्या अलग अलग चीज़ें, यही बता रही थी मैं। यहाँ आपको हर टाइप की हर चीज़ मिलेगी और बहुत अलग अलग चीज़ें मिलेगी। ब्रेड चाट, ये इसमें ब्रेड जो था बिल्कुल सॉगी नहीं लग रहा था, बढ़िया लग रहा था, और मसाले एकदम अलग जो उसके ऊपर थे, मतलब लिटरली लग रहा था कि एक चाट खा रहे हैं। नेक्स्ट आइटम खा के देखते हैं क्या है। अब चलते हैं अगले आइटम की ओर, जो कि है चीज़ चाट। चीज़ चाट यार बड़ा डर लग रहा है इतना चीज़ देख के, पता नहीं खा पाऊँगी कि नहीं, बट खाना तो पड़ेगा यार। I'm speechless, literally speechless. इतना चीज़ देख के मैंने सोचा था कि इतना हैवी होगा ना कि खा नहीं पाएंगे, और अजीब सा सॉल्टी सॉल्टी लगेगा, क्योंकि इसमें मिक्सचर भी गया है,
चटनी भी गई है, सेव भी गया है और इतना सारा चीज़ गया है। बट एक खास बात बताती हूँ, बैलेंस बना हुआ है, बैलेंस रियली। एक तो बहुत सुंदर डिश है और टेस्ट भी अमेजिंग है। ज़रा आप भी चख के देखिए। और एक और आइटम आ गया है, यही चीज़ मैंने बोला था, यहाँ आओगे ना तो आप खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे और इन लोग तो बिल्कुल ही नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। ये तो बिल्कुल चाहते हैं कि आप लोग अलग अलग वैरायटी टेस्ट करें। तो अभी हमारे पास आया है ईट एंड मीट का पान मोहितो। क्या ठंडक लग रहा है यार, मतलब इतने मसाले, चटनियाँ और ये सब खट्टा मीठा चटकारेदार खाने के बाद ना क्या ठंडक मिली है ना, और पान का जो स्वाद है। One hour later. और अब हमारे पास आ चुके हैं प्रियेश। तो प्रियेश को ट्राई करना है चीज भेल। मैं बता रही हूँ ना, ये कुछ अलग ही आइटम है, लोग को देख के ही अलग लग रहा है। प्यार दीजिए और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।